हाय फ्रेंड्स, सुमिता स्पेशल मेनू में आप सबको मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के साथ दही अंडा करी का रेसिपी में लेके आई हूँ। मैं शेयर करूंगी दही अंडा करी बनाने के लिए क्या क्या सामग्री। हम पहले देख लेते हैं। देखिए, मैंने आलू बॉईल करके मैश करके रखा, अंडा बॉईल करके छील के रखे, बाकी प्याज लहसुन टमाटर रेडी करके रख लिया। कढ़ाई में हम सबसे पहले सरसों का तेल गर्म करके बॉयल अंडा देंगे। अच्छे से हम तेल में फ्राई करेंगे। दे देंगे तुलसी, नमक। सुंदर अंडे में कलर लेना, इसलिए मैंने दिया हल्दी पाउडर। अच्छे से हम तेल में अंडे को फ्राई कर लेंगे। मैं अपना चैनल पे पहले भी अंडे का बहुत सारा रेसिपी आप लोगों से मैं शेयर कर चुकी हूँ। वीडियो भी है, शॉर्ट्स भी है। आप लोग अगर पहले नहीं देखे होंगे, मेरे चैनल पे जाके वो रेसिपी देख सकते हो। अंडा फ्राई होने के बाद हम प्लेट में उठा कर रखेंगे। कढ़ाई में तेल रहेंगे, इसलिए मैंने दोबारा और दिया नहीं तेल। दे देंगे साबुत जीरा और हम जो प्याज पेस्ट करके रखे थे वो देंगे। गैस का फ्लेम कम करके गोल्डन ब्राउन करके प्याज को फ्राई कर लेना है। आप अगर प्याज पेस्ट नहीं करोगे, बारीक बारीक काट के भी ले सकते हो। अभी हम देंगे टमाटर प्यूरी, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी अच्छे से फ्राई कर लेना ताकि उसका जो कच्चापन है वो अच्छे से चला जाए। ये सब अच्छे से फ्राई हो चुका है। अभी मैं दूंगी जो आलू बॉईल करके मैश करके रखे थे, वही मैश किया हुआ आलू हम देंगे। प्याज लहसुन के साथ अच्छे से मिला लेंगे। आपको अगर आलू पसंद नहीं है या आप आलू खाते नहीं हो, आलू को स्किप कर सकते हो, लेकिन आलू अगर दोगे उसका कारी देखने में भी अच्छा होगा और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। टेस्ट अनुसार नमक देंगे, गैस का फ्लेम कम ही रहेगा। अच्छे से हम प्याज लहसुन के साथ मिला लेंगे। अभी हम जो दही अंडा करी बना रहे, इसलिए हमें दही का जरूरत है। मैंने फ्रेश बड़े चम्मच से 2 चम्मच ले लिया दही। उसी में दे देंगे कश्मीर लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। ये कश्मीर लाल मिर्च पाउडर देने से सब्जी का कलर बहुत सुंदर आता है। अभी मसाला के साथ दही को अच्छे से हमें फेंटना है। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, दही को भी खट्टा नहीं लेना, नहीं तो अब अंडा करी जो बना रहे वो खराब हो जाएगा। दही फ्रेश होना चाहिए। अभी इधर भी हमारा आलू मसाला के साथ अच्छे से मिल चुका है। अभी ये जो फेंटा हुआ दही मैं उसमें दे दूंगी और ऊपर से हमें और पानी की जरूरत है। मैं ये कटोरी धुलाई करके पानी दे देती हूँ ताकि उसमें जो दही मसाला लगा हुआ है पूरा उसमें चला जाएगा। फिर भी देखिए हमारा कारी कम हो रहा है और थोड़ा सा कारी का जरूरत है, इसलिए मैंने ऊपर से और थोड़ा सा गर्म पानी दे दिया। गैस का फ्लेम हम फुल करके रखेंगे। अभी हम उसमें देंगे काली मिर्च पाउडर, दे देंगे जीरा पाउडर। काली मिर्च पाउडर देने से सब्जी का जो हम बनाएंगे बहुत चटपटी बनता है, खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो कितना जल्दी हमारा ये दही अंडा करी बन के रेडी हो चुका है। फ्राई किया ऊपर से हम अंडा दे देंगे और हमें गरम मसाला चाहिए। लास्ट में हम देंगे कस्तूरी मेथी। तो बहुत इजी रेसिपी है। आप अगर ये अंडा करी इस तरह घर में बना लोगे, आपको अलग से कोई सब्जी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अंडा करी से पूरा आप पेट भर के खाना खा पाओगे। गरम मसाला देने के बाद हम हाथों में लेके क्रश करके दे देंगे कस्तूरी मेथी। तो हमारा देखिए दही अंडा करी बन के रेडी हो चुका है। अभी मैं गैस बंद करूँगी और प्लेट में लेके सर्व करूँगी। तो बहुत इजी रेसिपी है फ्रेंड्स, आप लोग घर में ये रेसिपी जरूर ट्राई करना, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और आज का ये मेरी रेसिपी देख के अगर आप लोगों को पसंद आता है, प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। मेरे चैनल पे आप अगर नए होंगे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप लोग रोज अलग अलग रेसिपीज देख पाओ। आज के लिए बाय फ्रेंड्स, कल मैं फिर मिलूंगी आप लोगों से नया कोई रेसिपी लेके आऊंगी शेयर करने के लिए। आज के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।